उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके प्रचंड गर्मी और भीषण लू की चपेट में हैं। गर्म हवा के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। सुबह के 9 बजते ही लू का एहसास होने लगता है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अभी राहत के आसार नहीं। अभी अगले 3 से 4 दिनों लोगों को यूं ही गर्मी और लू से जूझना होगा। सीएसए के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे के मुताबिक इस पूरे हफ्ते थार मरुस्थल और राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश बिहार तक अपना असर दिखाती रहेंगी। मौसम वैज्ञानिक ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, मौसम में बाहर निकलने पर पूरी सावधानी बरतें। उनका कहना था कि इसके बाद बंगाल की खाड़ी से मॉनसून की हवाएं आना शुरू होंगी। वह हवाएं गर्म हवाओं को पीछे करेंगी, जिससे 22 या 23 तारीख के बाद कानपुर मंडल और उत्तर प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां चालू हो सकती हैं। विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी इस पूरे हफ्ते इसी तरह से थार मरुस्थल और राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार तक अपना असर दिखाती रहेंगी। और इस मौसम में लोगों को सलाह दी जाती है कि वो घरों से निकलें तो पानी लेकर निकलें, पानी पीकर निकलें, और छाता, अंगोछा और सूती कपड़ों का प्रयोग करें। बच्चे, बड़े, बीमार लोगों को भी ये सलाह दी जाती है कि वो ऐसे मौसम में 12 बजे से 3 बजे तक बाहर निकलने में परहेज करें, क्योंकि इस तरह की गर्मी जो इस समय पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है वो मानव स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। इसके बाद मानसून की हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से आएंगी और इन हवाओं को पीछे करेंगी और वो अपना प्रभुत्व पूरे उत्तर भारत में जमाएंगी। भीषण गर्मी के इस मौसम में इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और बेजुबान भी बेहाल है। दरअसल 47 डिग्री के इस टेम्परेचर के साथ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो येलो अलर्ट का ये समय अभी एक हफ्ता और रहेगा। अगले हफ्ते में कुछ बादलों की आवाजाही की उम्मीद की जा सकती है। बारिश के भी लंबे समय तक कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर मौसम विभाग भी बेहद चिंतित है। कैमरामैन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, ABC News, कानपुर।